Hello friends, this is Sangam Podium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Retrolix 10mg tablet. The tablet Retrolix 10mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो में सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोलिक्स 10mg टैबलेट। फ्रेंड्स, रेट्रोलिक्स 10mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल ओडिमा या एडिमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। एडिमा कहने का अर्थ होता है सिंपल स्वेलिंग, कह सकते हो स्वेलिंग वो हाथ पैर में हो सकता है या होल बॉडी में भी हो सकता है, कहीं पे भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है, लेकिन वो एक तरह का फ्लूड होने वाला एडिमा है। एक स्वेलिंग एक अलग लेवल का होता है, एक स्वेलिंग होता है चोट लगने के बाद फूल जाना, लेकिन ये बेसिकली ये ओडिमा या एडिमा कहते हैं जहाँ पे फ्लूड भरा हो, वाटर रिटेंशन हो, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि यह जो मेडिसिन है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जिसे खरीदने के लिए परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डायबिटिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैं इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डायबिटिक्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और इसका इस्तेमाल कर सको। तो डियर व्यूअर्स, डायबिटिक्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो क्या करता है, रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी से क्या करता है कि एक्सेसिव वाटर को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, उसे डायबिटिक्स कैटेगरी बोलते हैं। या इसी डायबिटिक्स कैटेगरी दूसरे शब्द में वाटर पिल्स भी बोलते हैं या वाटर टैबलेट भी बोल सकते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डायबिटिक्स कैटेगरी होता क्या। सिंपली समझिए, डायबिटिक्स कहने का अर्थ है कि रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव वाटर को जो बाहर निकालने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम डायबिटिक्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 टैबलेट्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स पाए जाते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं, ठीक है, रेट्रोलिक्स 10mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टोरासेमाइड 10mg पाया जाता है, और जिसे दूसरे शब्द में हम लोग टोरासेमाइड भी बोलते हैं, टोरासेमाइड या टोरासेमाइड भी हम लोग बोलते हैं, 10mg पाया, जिसका इस्तेमाल एडिमा को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, एडिमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल टोरासेमाइड या टोरासेमाइड 10mg पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि अगर किसी को हाई बीपी हो, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल। ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा,
अगर किसी को क्या हो स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग मतलब वाटर रिटेंशन ऑफ बॉडी में, उसके कारण सूजन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। एडिमा या ओडिमा भी लोग बोलते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर रिटेंशन इन बॉडी, कि अगर किसी भी बॉडी के हिस्से में, ठीक है, चाहे हाथ पैर हो, कहीं पे भी फूल गया, स्वेलिंग हो गया हाथ पाँव में, ठीक है, तो उससे क्या करता है, वाटर रिटेंशन को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा बोलो, या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर रिटेंशन इन बॉडी, बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन है तो उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, कि अगर किसी के हाथ पाँव में स्वेलिंग हो रखा हो और वहां पे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दबाने के बाद दब रहा हो, ठीक है, चोट का स्वेलिंग नहीं हो, जनरल इतना समझिए कि वहां लगे कि यहाँ पे कहीं पानी भरा हुआ, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट एनएसआर का, एनएसआर का कहने का अर्थ होता है एक मेडिकल टर्म में कि जनरल स्वेलिंग, कि अगर किसी को जनरल भी स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसको से वहां से पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग होल बॉडी, कि अगर पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो रखा हो, एडिमा हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी से अगर एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हो गया बॉडी में, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, क्रोनिक किडनी डी, कि अगर कोई व्यक्ति क्रोनिक किडनी डी से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी सही करने के लिए, ठीक है, उसको भी सही करने के लिए पानी निकालने के लिए वहां से पानी प्रॉपर ढंग से क्या करे, फिल्टर हो सके, तो वहां पे भी इसका डॉक्टर इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया, अगर लीवर, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर बहुत ज्यादा पानी छोड़ रहा है, तो वहां पे भी पानी रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, तो वाटर को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स बेसिकली समझिए इसका जो इस्तेमाल होता है बेसिकली, ठीक है, रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव जो वाटर होता है उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बॉडी में और वाटर रिटेंशन हो गया उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन सिंपली अगर देखिएगा तो जनरली का हाथ पाँव में स्वेलिंग हो, ठीक है, बॉडी जनरल बॉडी में स्वेलिंग हो, ठीक है, या किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, वहां से पानी, लीवर सिरोसिस हो, उसमें पानी बहुत ज्यादा, या पुलर इफ्यूजन हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, फेफड़े में पानी भर गया, ठीक है, तो वहां से पानी निकालने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन जनरली अगर टर्म्स इसको देखिएगा यूसेज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वहां पर सिंपली लिखा ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा या एडिमा लिखेगा, लेकिन मैंने आपको डिटेलिंग करके बता दें कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, उसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन की अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। फिर प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, इन द फैमिली वे में है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखना। फिर कहते हैं डिस यूरिया, कि अगर किसी को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, अगर पेशाब करते समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये चार कंट्राइंडिकेशन है, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें मूड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन बहुत सिंपल तरीके से काम करती है, जैसे इस मेडिसिन को आप लेते हैं क्या करता है, इट रिमूव्स एक्सेसिव वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव वाटर और रिटेंशन को निकालने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है, और साथ ही साथ जो सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सही नहीं है उसको भी निकालने का ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही एलोपैथिक में, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है लो बीपी, इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकते बीपी आपका लो भी हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत सर दर्द आपका करेगा। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, आपका जो पेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कब्जियत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को जैसे लैसी इलेक्ट्रॉन 50 mg ये सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करती है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस हो उसके लिए बता रहा हूँ। 1 into OD इन द मॉर्निंग, इसको क्या करना है कि आप एक टैबलेट लेना है लेकिन सुबह में लेना है, क्या करना है सुबह में लेना है,
लेकिन इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आप देख लें कैसे लेना, क्योंकि लैसेलेक्टोन 50 mg जो हाफ टैबलेट ही डॉक्टर देते हैं, ठीक है। ये तो 10 mg है तो ओडी में दिया जाता है, लेकिन मॉर्निंग में दिया जाता है। कब? मॉर्निंग में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेट्रोलिक्स 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड अफेक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।